आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम अलसी के फायदों की बात करेंगे। दोस्तों, अलसी को सब लोग जानते हैं, इनको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, वजन को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखते हैं, हृदय रोगों के लिए लाभकारी हैं और ये कैंसर के रोग में भी बहुत फायदा करते हैं। साथ ही औषधीय गुण इसमें होते हैं, जिसके कारण ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। इसके साथ साथ ये त्वचा को चमकदार और सुंदर बनाते हैं और जोड़ों के दर्द में भी फायदा पहुंचाते हैं। जितने खतरनाक रोग हो सकते हैं उसमें अलसी आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले विस्तार से हम बात करते हैं फाइबर के अच्छे स्रोत की। अलसी के सबसे असाधारण लाभों में से एक है, इसमें उच्च स्तर में म्यूसीजियम गम सामग्री है। म्यूसीज एक जेल बनाने का फाइबर होता है जो पानी में घुलनशील है और आंत्र पर इसका अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। म्यूसीज पेट में भोजन को छोटी आंत में बहुत देर तक रोक सकता है। इसे पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। साथ ही दोनों घुलनशील और अघुलनशील फाइबर में अलसी अत्यंत उच्च है, जो बड़ी आंत की विषाक्तता और चीनी की लालच को कम कर सकते हैं, यानी कि शुगर को बढ़ने से रोक देते हैं। अब बात करेंगे वजन कम करने को लेकर। इसमें लिग्निन और ओमेगा 3 चर्बी को जमा होने से रोक देते हैं और शरीर को चुस्त बनाने में मदद करते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि आप उठकर एक्सरसाइज तक करने में समय नहीं निकाल पाते, तो ऐसे में आपको अलसी का सेवन अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आपको वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आपको खाना खाने के लगभग एक घंटे पहले एक या आधी चम्मच अलसी अच्छी तरह चबा चबा कर खानी चाहिए और ऊपर से एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। आधे घंटे बाद फिर एक गिलास पानी पिएं। इससे आपको अपना पेट एकदम फूला हुआ महसूस होगा और आप खाना कम खाएंगे। चूंकि अलसी स्वस्थ वसा और फाइबर से भरे हुए होते हैं, इससे आपको बहुत अधिक संतुष्टि महसूस करने में मदद मिलेगी, ताकि आप कुल मिलाकर कम कैलोरी खा सकें और वजन नियंत्रित हो सके। अगला है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए। अलसी के बीज की घुलनशील फाइबर सामग्री पाचन तंत्र में वसा और कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित नहीं होने देती। अलसी के बीज का नियमित रूप से सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। घुलनशील फाइबर पित्त को भी रोकता है, जो पित्ताशय की थैली में कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। पित्त को फिर पाचन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। इससे शरीर को और पित्त बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग होता है और कुल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगला है अलसी का बीज जो होता है वो हृदय रोगों के लिए। इसके अलावा अलसी धमनियों में पट्टिका के निर्माण को कम कर देता है, हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है और ये धमनियों में सूजन को भी कम करती है, जिससे धमनियां सुचारू रूप से काम कर सकें। स्वस्थ हृदय पाने के लिए दैनिक आहार में पिसी हुई अलसी के बीजों को शामिल करें। अगला है महिलाओं के हार्मोन मैनेज करने के लिए। इसमें पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजन के कारण ये महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। एक लक्षण में पाया गया कि अलसी के बीज रजोनिवृत्त महिलाओं में रजोनिवृत्ति के लक्षणों से लड़ने के लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। अलसी में पाए जाने वाले लिग्निन यौगिक में एस्ट्रोजेनिक गुण होते हैं, जिनकी मदद से अत्यधिक गर्मी, बेचैनी, अनियमित रक्तस्राव, मूड में उतार चढ़ाव, कमर दर्द और योनि के सूखेपन को कम किया जा सकता है। एक चम्मच अलसी के बीज के पाउडर का प्रतिदिन 2 या 3 बार सेवन करने से रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम किया जा सकता है। ये रजस्वला महिलाओं द्वारा भी नियमित मासिक धर्म चक्र को बनाए रखने और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है अलसी के बीज कैंसर के लिए फायदेमंद होते हैं। अलसी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में ये अध्ययन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि अलसी स्तन, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर के विकास के जोखिम को कम करते हैं। अलसी में उपस्थित लिग्नान्स में प्रतिजन गुण होते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो ट्यूमर द्वारा नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को रोक देते हैं। अलसी के बीज में लिग्निन उच्च स्तर पर पाया जाता है, जो हार्मोन चयापचय और ट्यूमर कोशिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को अवरुद्ध करके स्तन कैंसर से रक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा अलसी के बीज का पाउडर और अलसी का तेल दोनों ही अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध है, जो कैंसर के खिलाफ फायदेमंद है। आप पिसी हुई अलसी के बीज का सेवन दही में डालकर कर सकते हैं। अलसी के फायदे लेने के लिए आप अलसी के तेल का इस्तेमाल खाद्य सामग्री को पकाने के लिए भी कर सकते हैं। अगला है मधुमेह के लिए भी बहुत फायदेकारी है। अलसी के दैनिक सेवन से टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग
दो महीने के लिए अलसी के बीज के सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, उनके रक्त शर्करा के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आपको डायबिटीज है तो किसी भी तरह से अलसी की 25 ग्राम मात्रा को अपने डाइट में शामिल करें। आप चाहें तो इस मात्रा को कुछ भागों में बांट सकते हैं और फिर दिन भर में किसी तरह इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन जोड़ों के दर्द में राहत दिलाए। अलसी जोड़ों की हर तकलीफ पर असरदार है। इसे खाने से खून पतला हो जाता है। इसकी वजह से पैरों में रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है और दर्द जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द के लिए अलसी के पाउडर को सरसों के तेल के साथ गर्म करें और ठंडा होने के बाद उसे जोड़ों पर लगा दें, आराम मिलेगा। अगला है बालों के समाधान के लिए। फ्लेक्सीड यानी अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की उच्च मात्रा बालों के लोच में वृद्धि करती है और उनके टूटने की संभावना कम हो जाती है। अलसी के फायदे खोपड़ी में सीबम के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार फलक और रूसी को रोकते हैं। अलसी के बीज में विटामिन ई बालों की जड़ों और सिर की त्वचा को पोषण प्रदान करते हैं और झड़ते हुए बालों और गंजेपन को रोकने में मदद करते हैं। ये सोराइसिस से संबंधित बालों के झड़ने से उबरने में भी लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।